भाई इतनी मेहनत के बाद फाइनली हम मिल गए शिव भाई से। तो हेलो भाई और उनकी प्यारी बहनों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। गाइस आज रात के बज रहे हैं 8 और हम लोग मिलने का ट्राई करेंगे शिव ठाकरे भैया के, क्योंकि भाई बिग बॉस में देखता था मैं, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते पर भाई बंदा बहुत अच्छा है और भाई मेरे को तो बंदा बहुत सही लगता है। तो भाई मेरे को मिलने जाना था उससे, तो भाई मैं तो जा रहा हूँ भी उनको मिलने के लिए, तो देखते हैं ट्राई करते हैं वो मिल पाते कि नहीं मिल पाते। और वैसे तो बहुत डाउन टू अर्थ बंदे हैं वो, पर अभी क्रेज़ इतना चल रहा है अमरावती के अंदर भाई का कि भाई पूरी भीड़ भीड़ इकट्ठा होकर रखी होगी। फिर भी ट्राई करेंगे नॉर्मल पीपल की तरह जाके उनसे मिले, फिर भी अगर नहीं मिले तो भाई मिलना तो है ही, तो भाई कॉन्टैक्ट निकालेंगे फिर अपने कल फिर भाई से मिलेंगे। तो अभी ट्राई करते हैं, पहले मिलते कि मिलते भाई। चलो अभी मिलते हैं आपको सीधे उनके घर के पास ही जा रहे हैं। वैसे तो हम दोस्तों के साथ, एक दोस्त को उठाता हूँ और सीधे घर के पास चलते हैं। चलो भाई बाय। तो भाई शिव भैया से मिलने आते हैं आपको एक मिनट में। देखो शिव भाई बाय। भले ट्रॉफी नहीं आए पर दिल सबका आ गया उनके पास। भाई से बिल्कुल मिल के जाएंगे आज, भले 11 बज जाए 12 बज जाए आएंगे मिल के जाएंगे, बस नहीं बैठे। शिव भैया कब तक आएंगे? ये हमारे शिव भाई और ये आंटी जी। हेलो। और भाई नेचर इतना सही है आंटी का, आंटी ने जो भी मिलने आ रहे हैं ना आंटी ने, ये देखो सबके साथ में फोटो खिंचवा रही है और सबको बिठा के रखा है घर के अंदर, सारे लोग बैठे हुए हैं और हम लोग को लग रहा है ऐसा लग रहा है आंटी बहुत अच्छी है। जितना शिव भाई अपने टीवी पे दिखता है उतनी अच्छी आंटी दिख रही है भाई का। पर ये संभाल लिया मिल के जाएंगे, तो हम भी सोच रहे हैं मिल के जाएंगे क्योंकि आंटी ने बोला कोई दिक्कत नहीं बेटा तो आने वाले हैं, वैसे तो नहीं आया तो बढ़िया ही खाना वाना पिला दूंगी, नीचे बिछा जाएंगे, ठंडी तो है नहीं, नीचे बिछा के सो जाएंगे हम लोग, पर मिल के जाएंगे। तो भाई मैं शिव भाई को मिलने आया था, शिव भाई को मिले नहीं, अब नेक्स्ट टाइम बॉम्बे इज कमिंग एंड गोइंग एंड बाय बाय। अबे साले। तो गाइस हम शिव भाई के घर आए थे शिव भाई को मिलने, शिव भाई तो मिले नहीं पर हमको एमसी स्टैंड मिल गया। एमसी स्टैंड लाइट ब्रो एक रैप हो जाए क्या बोलती पब्लिक, बोला तो तकलीफ। गाइस शिव भाई को मिलने आए थे, शिव भाई नहीं मिली पर अर्चना कितनी सारी है दिखाता हूँ आपको। रुको और गाइस एक और अर्चना देखिए, दो अर्चना। तो भाई रात के 10 बज चुके हैं, अब तक तो आए नहीं है पर हम देखो एकदम हमारा टिकाने की जगह बना लिया एकदम बढ़िया से। और अब क्या रहा है तो गाइस अब हम सोच रहे हैं थोड़ा प्रैंक प्रूम करें, हम यहाँ बाहर जाके चिल्लाते हैं गणपति अप्पा मोरिया शिव भाई आ गए, यहाँ की पूरी पब्लिक उधर भाग जाएगी, ट्राई करते कुछ ऐसा पब्लिक की जमा हो तो पब्लिक थोड़ी और आने दो, थोड़ी और पब्लिक आएगी तो मज़ा आएगा प्रैंक करने में। अभी तो नहीं, चलो देखते हैं यहाँ पे। अरे प्रैंक क्यों कर रहे हो यार, चलो 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 आ गए। गाइस देखो हमारे हमारे प्रैंक में कितने लोग उल्लू बना दिया गाइस, बड़ा हरामी हो बेटा। अरे प्रैंक है भाई बताओ। भाई इतनी सारी अर्चना आ गई यहाँ पे पूछो अर्चना। एमसी स्टैन एक मिल गया, अर्चना को ढेर सारी होती है, अर्चना बैठी है, इतनी सारी अर्चना बैठी है गाइस देखो घर के अंदर भी बैठी है पूरा घर के। काकू ने स्पेशल सबको बिठा कर रखा है यहाँ पे, खासकर अर्चनाओं को घर के अंदर बिठा कर रखा है अंदर, अर्चना प्रियंका सब बैठे हैं, अर्चना प्रियंका सारी अंदर बैठी है और हम लोग अच्छे लोग हम बाहर बैठे हैं कि हम किसी घर के अंदर उतना अच्छी बात नहीं बिना वर्णी सकते, हम यहाँ बैठे हुए आपको बोल रहे थे पर हम गए नहीं, हम अच्छे आदमी है शालीन वर्णी जी कर देना शालीन भाई के लिए। शालीन भैया लाइट है, शालीन भैया लाइट है ये। अब्दू को बुलाओ, अब्दू 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 वही आ रहा बोल सच में आप भैया ये कौन है एक बार बताना, फ्यूचर स्टंट राइडर है अभी होने वाले, हाँ अपन टीच करने वाले हैं इनको। अच्छा बहुत बड़े स्टैंडर्ड। थैंक यू काकू।
काकू देखो भाई, काकू सबका मुंह मीठा कर रही है यार, कसम। जितने बंदे आए हैं, सारों को कुछ ना कुछ खिला रही है, पानी पिला रही है भाई। मान गया भाई, मान गया, कसम। गाइस ये देखो गाइस, इतनी खुशी मेरे को 6 सालों में। और गाइस चेक आउट दिस, ये शिव भाई का मम्मी जो चलाती है ना, मतलब किराना दुकान है, पहले पान ठेला था, पर अभी उन्होंने किराना दुकान बना लिया भाई। बहुत बढ़िया, पूरा किला बना दिया भाई इसको देखो। ये कोई एंगल से किराना शॉप लग रही है, वो पूरा किला बना के रखा हुआ है इन्होंने भाई। पूरी प्लानिंग कर ली है, शिव भाई आएंगे क्या बोलने, गणपति बप्पा। और यार पूरी तैयारी कर ली है, सब भाइयों को इकट्ठा कर लिया है। देखो आइट से पूरे भाई भाई हो गए हैं, तो आइए। और ये भाई को देखो, बंदा फ्लैश दिखा रहा है, इतना अच्छे भी यहाँ लाइट नहीं। तो अब देखते हैं कब आ रहे हैं भाई, कब मिलते हैं उनको। A few moments later. कुछ भी बात कर रही है, देखो ना। अरे भाई गणपति बाप्पा। आ गए भाई, फाइनली शिव भाई आ गए। दादा एक फोटो, दादा एक फोटो। शिव भाई को अपने घर में जाने नहीं दे रहे, बताओ। भैया बुला लो ना एक बार, अपना कोई मंथन रह गया यार, उसके साथ भी फोटो खींचेगी तभी जाएंगे अपन यहाँ से। और भाई बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और ये उनके भाई गणपति बाप्पा। अरे भाई इसको कोरोना है रे भाई, दूर रहो इससे। मंडली का किंग शिव ठाकरे। A few moments later. भाई इतनी मेहनत के बाद फाइनली हम मिल गए हैं शिव भाई से। कहाँ से है? कितना दूर है? यहाँ से है चुंबड़ा 180। वैसे भैया मेरे घर बढ़ने में भी है, पर आपसे मिलना स्पेशल में आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। एक बार दिखे यार, जितने बार गए तो कम लग रहा है। पोज लिए हुए फोटो शिव भाई से मिल लिया। और एक बात बोलूंगा भाई, जितने शो में देखते थे ना, जितने भाई डाउन टू अर्थ बंदे हैं भाई, सेम वैसे ही है। जैसे मैंने उनको बताया कि भाई बहुत दूर से एमपी से आया हूँ भाई, वो तो बोले एकदम भले भले मिल लिए भाई, बहुत सही बंदे थे। और हमारे मंदिर भाई की फोटो खींच गए भाई, मजा आ गया। और भाई बहुत सही बंदा है भाई, बहुत सही मजा आ गया भाई। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, वरना कोई बात नहीं, हमने तो भाई से मिल लिया। चलो भाई।